हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? और आप सब की करवा चौथ कैसी रही? बहुत अच्छे अच्छे सब लोग तैयार हुए होंगे। और मेरी गणेश चतुर्थी थी आज। तो आज मैं फुल डे आप लोगों को यहाँ पे शेयर करूँगी अपना रूटीन। यहाँ पे ना एक्चुअली आज हेलोवीन भी है और गणेश चौथ भी है। और आई थिंक हम लोगों के यहाँ पे 31 तारीख को है, और आप इंडिया में मैंने देखा नवंबर 1 को है। लोचा पड़िया એગો નહીં બે એગો છોકરાઓને આપવાની છે 10-10 ડોલર એ તો જો કે બે એગો તો હવે મારે શું કરવી છે। हाँ ना, शाम के टाइम मेरी फ्रेंड आ गई थी। हम लोग काफ़ी 1 घंटा तक बैठे, और फिर थोड़ी देर के बाद मैंने चाय चढ़ाई, और बातें करते करते पता चला कि H&M में कुछ नेल पॉलिश की सेल है। तो मैंने बोला चल तू मुझे ले जा वहाँ पे। तो हम लोग यहाँ निकल गए थे, चाय वैसे की वैसी रह गई। और ये जो मेरी फ्रेंड है ना, ये मिडनाइट वाली है, 2-3 बजे तक रात को जगती है और 12-1 बजे चाय पीने આપણા વાળી ચરણી શું બની હાલત થઈ હશે? આપણા ચરણી શું હાલત થઈ હશે કહું છું? तो मैंने इसको बोला कि चाय पी के चलते हैं, लेकिन 7-7 बजे ना स्टोर मॉल बंद हो जा रहा था। तो बोली कि नहीं चल जल्दी से, क्योंकि फिर चाय तो मैं आके पीऊँगी। सो बहुत सारी नेल पॉलिश यहाँ पे मैं लेके आई हूँ, आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मैं शेयर करूँगी क्यों लाई हूँ और क्यों इतनी सारी लेके आई हूँ, कितने में आई सब कुछ। लेकिन बहुत सारे इसके कलर्स बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद आए। एक बार तो दिल कर गया कि मैं भी लगा लूँ। मैं ज़्यादा करती नहीं हूँ, लेकिन मेरा दिल कर गया था। मैंने बोला चलो फेस्टिवल के दिन लगाएंगे ना, दिवाली के टाइम पे। सो यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग आ गया है। मुझे घी बनाना था, क्योंकि अभी अभी मैंने बनाया था आई थिंक थोड़े टाइम पहले, लेकिन बैक टू बैक सारे फेस्टिवल आते हैं, स्वीट बनती रहती है तो यूज़ हो जाता है। और मैं बस इस तरह से ना 3-3 पैकेट के ही बनाती हूँ। 4 के आते हैं सैम्स में, उनमें से 3 के बना लेती हूँ, 1 रख लेती हूँ। सो मौसमी को किसी में यूज़ करना हो या घर में कोई भी चीज़ ऐसी बनी हो तो। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे मैंने कहा हो गया था, यहाँ पे मैं घी वगैरह लगा के बाहर निकली थी वेदर चेक करने। बहुत ही फॉगी फॉगी वाला था, और थोड़ी बहुत एक हफ्ता पूरा गर्म रहा, और अब थोड़ी सी ठंड शुरू हो गई है लाइक। और यहाँ पे हेलोवीन जैसे मैंने कहा, डेकोरेशन इतना हम लोगों के स्ट्रीट में इतना नहीं किया है, लेकिन है। यहाँ पे हम लोग ने टोस्टर ऑर्डर किया था, वो हम लोग को रिसीव हुआ था कल इवनिंग पे ही। सो इसे आज हम लोग अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। और मौसमी को ये मेरा तीसरा वाला ऑर्डर किया, तीसरा हम लोगों ने कैंसिल किया। इसका रीज़न ये था कि इसको मौसमी का ना लॉन्ग स्लॉट वाला चाहिए था, और जितनी बार ऑर्डर कर रहे थे वो शॉर्ट आ रहा था, और 1-2 बार लॉन्ग भी आया, लेकिन इसका जो आगे का जो फंक्शन है ऑन एंड ऑफ सारे, वो साइड पे दिया जा रहा था। सो साइड पे फिर क्या होता था कि हम लोगों को ना पूरा ऐसे क्या बोलते हैं तिरछा रखना पड़ रहा था। काउंटर स्पेस बहुत ज़्यादा उसका यूज़ हो रहा था। इस वजह से इसको हमने 2-3 बार रिटर्न किया, और फाइनली ये वाला हमने ऑर्डर किया कि फ्रंट वाला हमें मिल गया। सो ये डेकोरेशन मेरा जो है फ्रूट स्टॉल, वो मैंने कॉर्नर में रखा था, जब जहाँ पे ये टोस्टर है ना। सो उसको मुझे अब कहीं और मूव करना पड़ेगा। और टोस्टर हम लोगों का पहले जो घर था उस पर था, सब कुछ टोस्टर था, क्या बोलते हैं वाफल मेकर सब कुछ था, लेकिन वो हमने घर जब निकाला ना तब सारा कुछ वहाँ से निकाल करके आ गए थे। सो 2-3 साल से बिना उसके चल रहा था, वो ऑर्डर कर दिया। यहाँ पे मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ, सिंपल सी मेरी वही बीन्स वाली सब्जी। आज तो मुझे तो कुछ खाना ही नहीं है। सो सभी सुबह की मेरी पूजा वगैरह होने के बाद चाय वगैरह पी ली थी, और ये सारे काम किए। और उसके बाद यहाँ पे मैं सब्जी लगा करके, मेरी चाची सास यहीं टाउन पे ही रहती है, और वो बहुत ही स्ट्रिक्टली स्वामीनारायण है। सो उनका फ़ोन आया था कि मंदिर में सारे नाश्ते आ गए हैं। सो मेरे मुंह से निकल गया कि मैं तो घर पे ही थोड़े बहुत बना लूँगी, लेकिन फिर उन लोगों को होता है ना कि नए मंदिर को थोड़ा सपोर्ट करो और थोड़ा ले जाओ नाश्ता। मैंने बोला चलो ठीक है। सो बस यहाँ पे मैं घी वगैरह बना के लंच भी रेडी कर लिया, और उसके बाद निकल गए हम लोग वहाँ पे मंदिर पे जाने के लिए। और उससे पहले जैसे मैंने लंच बना लिया, आटा वगैरह सब कुछ लगा के जाऊँगी। जो घी के बर्तन थे ना, उसी में मैं आटा लगा लूँगी, जिससे मुझे मोहन भी ना देना पड़े और बर्तन भी अच्छे से साफ़ हो जाए घी वाले इसी आटे से।
सो बस जैसे मैंने कहा आटा वगैरह लगा के हम लोग निकल गए थे। मौसमी को एक्चुअली जॉब स्टार्ट करनी है, सो वो बोल रही कि मम्मी जॉब स्टार्ट करो ना, उससे पहले जाके आ जाते हैं, फिर ट्रैफिक भी हो जाएगा और उसको आज बहुत हेक्टिक डे है, उसकी मीटिंग बैक टू बैक है, फिर बोली उसको चांस नहीं मिलेगा, तो चल अभी हो आते हैं। सो मैं बस अपना जल्दी जल्दी से काम कर रही हूँ यहाँ पर, और उसके बाद हम लोग निकलेंगे मंदिर के लिए सारे नाश्ते लेने के लिए। और अभी ना इस टाइम तो लास्ट ईयर हम लोग दिवाली पे वहाँ इंडिया थे, सो पूरा 1 साल हो गया, पता भी नहीं चलता। वैसे दिन बहुत जैसे कहते हैं ना थम से जाते हैं कई बार, और ऐसे लगता है कि बहुत फास्ट जा रहे हैं। सो बस सारी मेमोरी अब इकट्ठी हो जाती है, और इस घर में हम लोग की ये फर्स्ट दिवाली है। सो इस बार भी बस भैया भाभी मम्मी सब कोई लगे पड़े हैं कि इस बार भी दिवाली करने यहाँ आ जाओ आ जाओ। मैंने बोला नहीं, इस बार तो हम यहीं करेंगे, क्योंकि वैसे भी दिवाली में पता नहीं क्यों इंडिया में लास्ट ईयर हमको इतनी मज़ा नहीं आई। यहाँ पर तो चलो मंदिर वगैरह भी हो जाता है हमारा जाना, कि भाई वहाँ सब मिल लेते हैं, और मैंने देखा कि इंडिया में तो सब बाहर ही निकल जाते हैं सारे लोग, स्पेशली दिवाली के दिन ना वैकेशन पे चले जाते हैं। सो हम जब मैं छोटी वहाँ तो नहीं थी करे अपन तभी खुल ये लो सिस्टम चाहे। नहीं था। जय स्वामीनारायण धर्मेश भाई, जय स्वामीनारायण। हैं सो हम लोग यहाँ मंदिर आ गए थे। एक्चुअली डे टाइम में ना बंद करके रखते हैं, क्योंकि इतनी भीड़ होती नहीं है वीकडेज में, लेकिन आज खुला था डोर। सो वही बता रहे थे कि नहीं ओपन ही है, आ जाओ दर्शन के लिए। तो हम लोग ने दर्शन किए, और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही फ्रेशली नाश्ता आया है इन लोग की। और एक्चुअली ये तो स्वामीनारायण मंदिर का बहुत ही कहते हैं ना वो प्योर होती है, कोई इसमें मिलावट वगैरह होता नहीं है, तो क्वालिटी तो अच्छी होती है इनकी। सो बस यहाँ पे मैं क्या बोलते हैं, मैं कुछ भी मैंने रास्ते का नहीं लिया, क्योंकि मैं ड्राइविंग कर रही थी आज, इस वजह से मैंने कोई वीडियो शूट रास्ते का और जाते हुए आते समय नहीं लिया, क्योंकि वो रिस्की हो जाता है ना। तो यहाँ पे पापड़ी गठिया लेके आई थी, थोड़ा सा उन लोगों के वो चिवड़ा टाइप होता है वो ले आई, और फुलवड़ी, फुलवड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है इनकी। और आइस हलवा लेके आई थी यहाँ पे, लेकिन आइस हलवा ना वो इंडिया वाली बात नहीं थी इसमें, ये मुझे इतना मज़ा नहीं आया, मैं आगे आपको बताऊँगी। बहुत ही ढीला ढीला वाला कहते हैं ना वो, एकदम से टाइट वाला नहीं था, तो वो इतने मज़ा नहीं थे, लेकिन फुलवड़ी बहुत ही अच्छी थी। प्रसाद में यहाँ पे केक दिया था मौसमी को कल, क्योंकि गुणातीता स्वामी की बर्थडे थी, उनका मैसेज भी आया था, लेकिन मैं नहीं जा पाई थी, मंदिर में समय यो था, भीड़ भी बहुत होती है ना, फिर मैं नहीं जाती हूँ, क्योंकि इतने क्राउडेड में हमारे लिए अच्छा भी नहीं रहता जाना, क्योंकि बंद बंद होता है ना फिर, अगर ओपन में हो तो कोई बात नहीं, कभी कभार चले गए तो इस ओके, लेकिन एवरी संडे मैं नहीं जाती हूँ। सो यहाँ पे जो घी का लास्ट बचा हुआ रहता है ना, मैं इस तरह से जिपलॉक में भर के रख लेती हूँ, लास्ट का भी अभी मेरे पास यूज़ नहीं हुआ है, क्योंकि अड़वा वगैरह बनानी है, और अड़वा में बहुत अच्छे से जाता है, और उससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है उसका। सो बस इसको मैंने जिपलॉक में रख लिया। लंच मेरा तो बन ही गया था, बस रोटियां ही बनानी थी मुझे, और इन लोगों के लिए मेरा तो खाना नहीं है आज, सो मैंने तो अपना वही चाय दूध ले लिया था मॉर्निंग का, फ्रूट वगैरह। तो यहाँ मैं आपको बता रही हूँ ये आइस हलवा, ये देखिए खोल के दिखाती हूँ आपको, बहुत ही ढीला ढीला सा था। इंडिया में तो इंडिया से जो लाते हैं ना वो टाइट वाला आता है, लेकिन ये एक तरह का आटा आता है, मैं नाम भूल गई उसका, मैंने भी बहुत साल पहले ट्राई किया था, लेकिन वो इसी तरह से बनता है यहाँ पे घर पे। हेलोविन की कैंडी हम लोग लेके आए थे, चॉकलेट्स, एक्चुअली लास्ट उसमें गए थे ना तब, आई थिंक मैंने लास्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर भी किया, लेकिन मौसमी को बहुत एक्साइटमेंट थी कि मैं शाम को ना यहाँ पे सबको दूंगी, किड्स बहुत आते हैं करके, और हमारे स्ट्रीट में अभी आपको मैं बता रही हूँ अराउंड 5:30 बज रहे हैं, कोई कुछ भी नहीं है, बहुत ही शांत वाला लग रहा था यहाँ। बस ये आमने सामने दो घर हैं, उन्हीं लोगों ने डेकोरेशन किया था, और मौसमी को बस आज पूरा दिन बहुत ही उसका बिजी रहा ना, उसका मूड ऑफ हो गया, बोलती कि नहीं मुझे नहीं बैठना है बाहर, सो पूरी बैग वैसे की वैसी पड़ी है। मैंने बोला लाई है तो चलना करते हैं, तो बोलती है नहीं अभी मूड ऑफ हो गया, बहुत थकान सी लग रही है। सो बस थोड़ा सा हम लोग यहाँ नेबरहुड में निकल गए थे देखने के लिए कि किस तरह का हेलोवीन है, और फिर सेफ्टी वाइज भी हो जाता है, क्योंकि इस समय ना मास्क बहुत पहन के आते हैं लोग, तो वो थोड़ा सेफ्टी पर्पज़ से भी थोड़ा सा वो डर गई कि नहीं मम्मी नहीं करना है, मैंने बोला चलो ठीक है कोई नहीं। सो बस थोड़ा सा हम लोग यहाँ डेकोरेशन वगैरह देखने के लिए निकल गए थे, सो इतना कुछ था नहीं, कुछ स्ट्रीट ने, एक आध स्ट्रीट जो है हम लोग के नेबरहुड में पीछे वाली, उन्होंने अच्छे से डेकोरेशन किया था,
और वहाँ थोड़ी चहल पहल भी लग रही थी, अदरवाइज कुछ इतना था नहीं। अच्छा ये हॉलीडेज ना मुझे इतने साल हो गए यहाँ देखते हुए, मुझे समझ ही नहीं आता कि ये क्या पर्पज़ है ये हॉलीडेज का। सच में मुझे, मैंने हम लोगों के जब स्टोर था ना तो दो तीन कस्टमर से मैंने पूछा तो उनको भी कोई, मुझे कोई लॉजिक वाली मीनिंग नहीं लगी उसमें। आई डोंट नो, मुझे ये पर्पज़ समझ में नहीं आ रहा ये हेलोवीन का, कि ये क्या किस तरह का फेस्टिवल है। एक तो आधी रात को बाहर निकलो, पूरा मंथ ही इस तरह की डेकोरेशन, पूरा ग्रेवयार्ड बनाते हैं डेकोरेशन में। सच में स्पेयर पार्ट सारे बोलते हैं ना अंदर के हिल जाते हैं मेरे तो देख के। मैं तो वैसे भी बहुत डरपोक टाइप की इंसान हूँ। और अभी मैं आपको बताती हूँ, हम लोगों के सामने एग्जिट घर के सामने जो है ना उन लोगों ने डेकोरेशन किया है, अभी मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए आ रहा है यार, ये देखो इसे तो देख के ना मेरी सारी हवा निकल जाती है, मेरे बॉडी के सारे स्पेयर पार्ट मुझे ऐसा लगता है ना कि अभी अलग हो जाएंगे। और चांद भी आज मुझे बाहर जाके देखना था, घर से ही दिख जाते हैं, रूम से ही, मेरे बेडरूम से ही दिख जाते हैं, मौसमी के ऑफिस के रूम से और उस तरह की बेडरूम में। लेकिन मैं आज अक्ल की दुश्मन कहते हैं ना वो वाली हूँ मैं बाहर निकल गया देखने और मेरे हाथ पैर ऐसे ढीले हो गए। ये देखिए सामने ही घर पे है तो तुरंत दिख जाता है। मैंने बोला यार मैं भी कहाँ निकली आज बाहर देखने, सब बस हम लोग के चांद यहाँ दिख गए। मैं नहा धो के आ गई थी, मेरी एक रोटी बना दी, भगवान जी के गुड़ एंड घी जो होता है वो मैंने प्रसाद में रख दिया था और वही प्रसाद में यहाँ पे ले लूँगी। सो यही मेरा आज डिनर हो गया और अराउंड लगभग 9 सवा 9 हो रहे होंगे यहाँ पे। सो बस इस ब्लॉग का यहीं एंड करूँगी।